हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पूना स्टोर के ये ब्यूटी ब्लेंडर का रिव्यू। इसको मैंने परचेज किया है अमेजन से और इसका प्राइस है, इसमें जो लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ, वो 699 रुपीज है, बट ये मुझे 175 रुपीज का मिला है। जो नॉर्मली आते हैं वो टीयर ड्रॉप शेप में आते हैं, बट इसका थोड़ा सा डिफरेंट शेप है, तो मैं अभी आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये एक साइड से थोड़ा ज्यादा दूर तक ऐसा फ्लैट है और इस साइड में थोड़ा कम है, तो ये साइड जो है वो आप यहां पर यूज कर सकते हो आईज के नीचे, यानी अंडर आईज पर। और जो ये ज्यादा वाला शेप है, ज्यादा बड़ा वाला शेप है जो कट रखा है, इसको आप अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से, नेक और फेस पर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, यूज कैसे करना है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बॉक्स से निकालने के बाद फर्स्ट टाइम मैं इसको डिप कर रही हूँ वाटर के अंदर। तो एक बोल में मैंने पानी ले लिया है साफ और इसको मैं डिप करके देख रही हूँ। तो जब मैंने पहली बार इसको डिप किया तो स्क्वीज़ करने पर इसमें से थोड़ा सा झाग सा आ रहा था। तो मेरा कहना ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करने के लिए डिप करें पानी में, तो एक बार इसको माइल्ड सोप से साफ कर लें, जिससे कि जो भी इसमें कुछ भी ऐसे चीज़ें लगी होंगी जैसे झाग बना रहा है तो वो साफ हो जाएगा। तो सीधे आप इसको इस तरह से यूज़ नहीं करिए, धो लीजिए और उसके बाद इसको यूज़ करिए। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा हो गया ये फूल कर। जब मैंने स्टार्टिंग में लिया था तो हाथ में हथेली के अंदर आ रहा था, और अब ये फूल कर बड़ा हो गया काफ़ी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब सॉफ्ट भी हो गया है। और मैं आपको इसको बॉक्स में वापस रख कर दिखाती हूँ पानी में डिप करने के बाद। मैंने सारा स्क्वीज़ कर दिया है पानी, और आप देख सकते हो कि ये बॉक्स के अंदर फिट नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है ये। तो ये यूज़ करने के लिए तैयार है। सूखा इसको यूज़ नहीं करना होता है, अगर किसी को नहीं पता हो तो। इसको हमेशा पानी में डिप करके, जब ये फूल जाए और इसका पानी स्क्वीज़ करके, उसके बाद इसको यूज़ करना है। तो पानी मैंने सारा इसका स्क्वीज़ कर दिया है। अब अपने फेस पर मैं यहाँ पर फाउंडेशन लगा रही हूँ, जो सभी फाउंडेशन आपको लगाना है। तो इस तरीके से अपने फेस पर डॉट्स में पहले लगा लीजिए, और उसके बाद ये जो गीला स्पॉन्ज है, ब्यूटी ब्लेंडर है, इससे डैब डैब करते हुए अपने फेस पर फाउंडेशन को अप्लाई करिए। इसे अपने फेस के अंदर, स्किन के अंदर दबा दबा के आपको, मतलब डैबिंग मोशन में फाउंडेशन को लगाना है। इसको स्वाइप नहीं करना है, स्वाइप करने से ये अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाएगा आपका फाउंडेशन। तो पूरा टाइम लीजिए, और जितनी देर लगती है आप आराम से अपना फाउंडेशन ब्लेंड करिए। अच्छे तरीके से हो रहा है ब्लेंड, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है इससे। तो देख सकते हो आप, काफ़ी इवनली ब्लेंड हो चुका है फाउंडेशन मेरा, और जो भी स्पॉट्स वगैरह थे वो सारे छुप गए हैं। और अच्छा है, मुझे पसंद आया ये ब्यूटी ब्लेंडर, और आप भी ले सकते हो अगर आप कोई बजट में ब्यूटी ब्लेंडर खरीदना चाहते हो और ब्रांड का भी हो अच्छे, तो आप इस ब्यूटी ब्लेंडर को पूना स्टोर के परचेज कर सकते हो।